एक बार एक बाप और बेटा बैठे आपस में बातें कर रहे थे, एक बार एक बाप और बेटा आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो बेटा जो था वो 12th पास कर चुका था, तो बाप चाहता था कि ये मतलब डिस्कशन चल रहा था, बहुत सीरियस डिस्कशन कि बेटा तू बड़े हो क्या करेगा। तो बाप से बेटा बोला कि पापा मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ना मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा। तो वो बोला कि मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा। तो बाप ने पूछा क्यों बेटा आर्मी में क्यों नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम है आर्मी में? तो बोला कि देखो पापा अगर मैं आर्मी के लिए अप्लाई करूंगा तो दो बातें होंगी, या तो मेरी भर्ती हो जाएगी या मेरी भर्ती नहीं होगी, ठीक है, सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। सेलेक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेलेक्ट हो गया तो फिर दो बातें होंगी, है ना, या तो मेरे को सेना में भर्ती करेंगे, या तो मेरे को लड़ाई के लिए भर्ती करेंगे, या मेरे को लड़ाई के लिए भर्ती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लड़ाई के लिए भर्ती नहीं किया कोई बात नहीं, लड़ाई के लिए भर्ती किया तो फिर दो बातें होंगी, या तो मेरे को बॉर्डर पे भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे, नहीं भेजा तो फिर दो बातें होंगी, नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, भेजेंगे तो दो बातें होंगी, या तो मैं दुश्मन के साथ लड़ाई करूंगा या लड़ाई नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करी तो कोई बात नहीं, लड़ाई करी तो फिर दो बातें होंगी, या तो मैं जिंदा बच जाऊंगा लड़ाई में या मारा जाऊंगा, मारा गया तो कोई बात नहीं, जिंदा बच गया तो फिर दो बातें होंगी, या तो मैं अपने बॉर्डर वापस आ जाऊंगा या दुश्मन मुझे पकड़ लेगा। अगर मैं अपने अपने देश वापस आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन ने मुझे पकड़ लिया फिर दो बातें होंगी कि या तो मेरे को फांसी चढ़ा देंगे या मेरी खाल खिंचवा लेंगे, है ना, या तो मेरी फांसी चढ़ा देंगे या खाल खिंचवा लेंगे। तो कहता फांसी चढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, खाल खिंचवा ली तो फिर दो बातें होंगी, या तो मेरी खाल से ढोल बनेगा जिससे ढोल बना के बजाएंगे, या मेरी खाल का साबुन बनेगा, है ना, ढोल बना के बजाया तो कोई बात नहीं, साबुन बनाया तो फिर दो बातें होंगी, उस साबुन से तो लड़के रहेंगे या लड़कियां रहेंगी, है ना, लड़के ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पापा उस साबुन से लड़कियां नहीं ना तो मुझे बहुत शर्म आएगी, इसलिए मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा, ठीक है, माफ कर दो।